और आज हम लोग बात करेंगे एक स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है स्लैक्स। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक रुई के खेत को, जहाँ पे कुछ इंडियंस रुई को कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो सभी रुई को कलेक्ट कर रहे होते हैं एक कंपनी के लिए जिसका नाम है कैनेडियन कॉटन क्लोथियर्स। फिर हम देखते हैं वही कंपनी का लोगो लगाया हुआ एक बक्से को, जो कि एक ट्रैक से जाते हुए उन्हीं के मॉल में जाके खुलता है। बक्सा खोलने पर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर कुछ जींस पैंट्स है जिसमें एस लोगो किया हुआ है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम कैमिलो है, वो उन जींस पैंट्स को लेता है और लेके एक स्टोर रूम में रख देता है और मूवी भी यहीं से शुरू होती है। फिर हम देखते हैं एक मॉल को जहाँ पे कुछ सेल्समैन काम कर रहे होते हैं, तभी उस मॉल का गेट खोल के एक लड़की उस मॉल में घुसती है जिसका नाम लिवी है। लिवी उस मॉल में सेल्समैन की काम के लिए आई होती है। फिर हम देखते हैं एक लड़का को जो कि सीसीटीवी के माध्यम से उस मॉल की निगरानी कर रहा होता है और जिसका नाम क्रेग है। फिर लिबी जाती है और एक लड़की के पास जिसका नाम श्रुति है। फिर श्रुति लिबी को लेकर जाती है क्रेग के पास और कहती है कि इस मॉल में ये नहीं है और यहाँ पे काम करने के लिए आई है। ये सुनने के बाद क्रेग लिबी से कहता है कि तुम जाके हंटर से बात करो, वो तुम्हें इस मॉल की सारी चीजें सिखा देगी। ये बोल के क्रेग वहाँ से चला जाता है। लिबी वहाँ पे नहीं होने के कारण उस मॉल में वो किसी को नहीं पहचानती, तो वो सभी से पूछती रहती है कि क्या आपने हंटर को देखा है, और ये करके वो हंटर को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर हमें दिखाया जाता है वही स्टोर रूम का पिक्चर जहाँ पे एक एसएस प्रिंट किया हुआ जींस अपने आप ही खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वही मॉल में एक लड़की एक यूट्यूबर को देखती है जिसका नाम है पेटन। पेटन एक यूट्यूबर है और वो हर एक मॉल्स की रिव्यू करती है। फिर हम लिबी को देखते हैं जो कि हंटर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हंटर लिबी से कहती है कि तुम इस बारे में लॉर्ड से बात करो, वो तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता देगा। तो लिबी जाती है लॉर्ड के पास। लॉर्ड वहां पे उसे कहता है कि हमारे मॉल्स का कुछ नियम है, अगर तुम्हें इस मॉल में काम करना है तो तुम्हें इस मॉल की लेटेस्ट जो कलेक्शन है उसे पहनना होगा, क्योंकि तुम जो पहनी हुई हो ये बैकडेटेड है। लिबी लॉर्ड को कहती है कि मैंने इसे इसी मॉल से खरीदा था, लेकिन फिर भी लॉर्ड कहता है कि तुम्हें इसी मॉल का नया जो कलेक्शन है उसे खरीदना होगा और पहनना होगा। तो लिबी उस मॉल का जो नया कलेक्शन है उसे खरीदती है और पहनती है। लिबी बहुत सारे ड्रेसेस को चेक करती है, लेकिन आखिर में एक ड्रेस को खरीद लेती है। फिर हम देखते हैं क्रेग को जो कि उस मॉल के एक रूम में बैठ के सोच रहा होता है कि वो उस मॉल के मैनेजर से रीजनल मैनेजर में बदल जाएगा, यानी कि वो उसका प्रमोशन के बारे में सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की का हाथ को जो कि उस मॉल के स्टोर रूम से वो एसएस प्रिंट किया हुआ जींस को ले लेती है। फिर हम देखते हैं लिबी को जो कि अपना खरीदा हुआ ड्रेस को उस मॉल के एक बाथरूम में चेंज कर रही होती है। फिर वो किसी की आने की आवाज सुनकर वो अपना कपड़ा लेकर लैट्रिन के रूम में घुस जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे दो लड़कियाँ आते हैं जिनमें से एक हंटर होती है और दूसरा जेमा। फिर हमें पता चलता है कि जेमा ही वो लड़की है जिसने स्टोर रूम से वो एसएस प्रिंट किया हुआ जींस को चुरा ली थी। जेमा बाथरूम में आकर अपना जींस को उतारती है और वो उस एसएस प्रिंट किया हुआ जींस को पहन लेती है। फिर जेमा और हंटर बाथरूम से निकल जाते हैं। वो दोनों बाथरूम से चले जाने के बाद लिबी भी अपने लैट्रिन के रूम से बाहर निकल के आती है। फिर रात के 9:30 बजे वो मॉल बंद हो जाता है। मॉल बंद हो जाने पर क्रेग सारे एम्प्लॉयज को एक जगह पे इकट्ठा करता है। क्रेग उन सभी से कहता है कि आज रात को यहाँ पे हेराल्ड आने वाला है, यानी कि उस मॉल का सीईओ वहाँ पे आने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाए। तभी जेमा को पीरियड का प्रॉब्लम होता है, तो वो वहाँ से निकलकर बाथरूम की ओर चली जाती है। क्रेग जेमा से एयर डोब्स की मदद से कहता है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ हेराल्ड आने से पहले, तो जेमा कहती है ठीक है मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए जेमा लैट्रिन में घुसती है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉल में हेराल्ड आता है। हेराल्ड वहाँ पे आके सभी को लेक्चर देता है कि उन्होंने एक जींस बनाया है जो कि हर एक इंसान पहन सकता है, वो जींस हर एक बॉडी टाइप के लिए सुइटेबल है और उस जींस का नाम है सुपर शेपर जींस, यानी कि एसएस जींस। हेराल्ड का लेक्चर यहाँ पे शुरू हो जाता है, लेकिन जेमा तब तक भी वहाँ पे नहीं पहुँचती। फिर हम देखते हैं जेमा को जो कि अपना पैंट को उतारने की कोशिश कर रही होती है। वो अपना पैंट को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैंट उसकी बॉडी से चिपक के बैठ जाती है। धीरे धीरे वो पैंट इतना चिपक के बैठ जाता है कि उसका कमर से खून निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरे बाथरूम में खून फैल जाता है और जेमा वहीं पे मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि मॉल में सभी लोग एक प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं। वो प्रेजेंटेशन एसएस जींस के ऊपर बनाया गया है कि कैसे एसएस जींस तैयार होता है और वो किस किस बॉडी टाइप्स के लिए है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हेराल्ड सभी से कहता है कि उनका जो एसएस का स्टॉक है वो कल सुबहरे इसी मॉल से फर्स्ट एक्सक्लूसिवली सेल किया जाएगा, तो सभी एम्प्लॉयज बेहद खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जींस उस बाथरूम में फैला हुआ सारे खून को पी लेता है, जिससे कि पूरा बाथरूम साफ सुथरा हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं पड़ती। फिर हम देखते हैं कि लिबी जाती है हेराल्ड के पास और उनसे कहती है कि उसे सीसीसी का यानी कि कैनेडियन कॉटन क्लोथियर्स का सामान बहुत पसंद है। तो हेराल्ड खुश होता है और कहता है कि वो चाहता है कि लिबी
इस परिवार का हिस्सा बनी रहे। ये कहते हुए हेरल्ड वहाँ से चला जाता है। फिर एक लड़की जो कि उस मॉल की मैनेजर है और जिसका नाम बार्ब है, वो क्रेग से कहती है कि आज रात को वहाँ पे एक लड़की आएगी जिसका नाम पेटन है और सुपर सिपर जींस की लॉन्चिंग उसी के हाथ में है। तभी क्रेग बार्ब से पूछता है कि आज रात को वो कैसे मॉल में एंटर करेंगे क्योंकि सभी दरवाजे तो बंद है। तो बार्ब क्रेग से कहती है कि आज रात को 5 मिनट के लिए दरवाजा खुलेगा और उसी टाइम पे पेटन मॉल में एंटर हो जाएगी। वो मॉल में आने के बाद 1 घंटे के लिए लाइव शो करेगी जिससे कि सभी को एसएस जींस के बारे में पता लग जाएगा और लॉन्चिंग के टाइम में उनका सेल बढ़ जाएगा। फिर सभी मंडे मैडनेस के लिए यानी कि दूसरे दिन के सेल के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी दौरान हम लोग पेटन का यूट्यूब चैनल देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक फेमस यूट्यूबर है। सभी मॉल में तैयारियां करते हैं लेकिन वहाँ पे जेमा मौजूद नहीं होती। तो क्रेग हंटर से कहता है कि तुम जाके जेमा को ढूंढ के लाओ। तो हंटर जेमा को ढूंढने निकल पड़ती है। हंटर जेमा को ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है। वहाँ पहुँच के उसे जेमा नहीं मिलती लेकिन वो एसएस जींस उसे मिल जाती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि एसएस जींस का लोगो का एक जगह लाल हो चुका है। इसी से हमें पता चलता है कि वो एसएस जींस जब भी एक इंसान को मारता है तभी उसका लोगो का एक पार्ट लाल हो जाता है। हंटर उस एसएस जींस को देखती है और वो एसएस जींस के पास जाती है। हंटर एसएस जींस के सामने जाने पर ही वो एसएस जींस हंटर को अपने वश में कर लेता है जिससे कि हंटर भी वो एसएस जींस को पहन लेती है। वो एसएस जींस पहनने पर ही वो जींस हंटर का पैर को मोड़ देती है जिससे कि हंटर वहाँ का एक हैंगर से जाके टकरा जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। फिर हम देखते हैं श्रुति और लिवी मॉल में काम कर रही होती है। उसी टाइम पे लिवी श्रुति से कहती है कि उसे हमारा इंडिया गाना जो है वो बहुत पसंद है। पहली बार में श्रुति सुन नहीं पाती लेकिन दूसरी बार में वो जब ईयरफोन को खोलती है तो वो लिवी की बात को सुनती है। यहाँ पे श्रुति जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है और वो वहाँ पे काम के लिए गई होती है। श्रुति हरदम काम करते करते गाना सुनते रहती है क्योंकि उसे गाना सुनना बहुत पसंद है। जेमा और हंटर मॉल में प्रेजेंट ना होने के कारण क्रेग उन्हें ढूंढते रहता है। क्रेग लॉर्ड से कहता है कि तुम जाके उन दोनों को ढूंढ के लाओ। तो लॉर्ड कहता है कि उसका यहाँ पे रहना जरूरी है। तभी क्रेग का नजर पड़ता है लिबी के ऊपर। तो वो लिबी के पास जाता है और जाके उससे कहता है कि तुम जाके जेमा और हंटर को ढूंढ के लाओ। तो लिबी जेमा और हंटर को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं उसी एसएस जींस को जो कि खुद को एक बक्से में बंद कर लेता है। लिबी जाती है बाथरूम में और वहाँ पर जाके वो जेमा और हंटर को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी लिबी देखती है कि बाथरूम के नीचे वाले ड्रॉयर से कुछ बाल फर्श पे बिखरे पड़े हुए हैं। तो लिबी उस ओर बढ़ती है और बढ़ के उस ड्रॉयर को खोलने पर वो शॉक हो जाती है। लिबी वहाँ पे जाके देखती है कि वहाँ पे जेमा का कटा हुआ पैर और कटा हुआ शरीर मौजूद है। फिर लिबी क्रेग के पास जाती है और वहाँ पे जाके क्रेग को कहती है कि उसने जेमा को ढूंढ लिया है। फिर लिबी क्रेग को अपने साथ जेमा के पास लेकर जाती है। वहाँ पहुँच के लिबी क्रेग से कहती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो क्रेग कहता है कि वो लोग कल सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये खबर बाहर लीक हुआ तो उनका स्टॉक सेल नहीं होगा। तो लिबी और क्रेग जेमा के लाश को एक डस्टबिन में डालते हैं और वो डस्टबिन को बाहर रख के आते हैं। लिवी मॉल में वापस आती है लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है। वो वहाँ पे खड़े होकर सोचती रहती है कि किसने जेमा को मारा है। तभी लॉर्ड वहाँ पे उसी मॉल पे एक बक्से को लेके आता है। लॉर्ड वहाँ पे वो बक्से को खोलने पर हम लोग देखते हैं कि उसमें वो एसएस जींस मौजूद है और वो एसएस जींस के लोगो में दो लाल दाग भी है यानी कि वो एसएस जींस दो लोगों को मार दिया है। उस बक्से में एसएस जींस देखने के बाद लॉर्ड उसे लेकर जाता है स्टोर रूम में। स्टोर रूम में पहुँच के लॉर्ड उसे रखने ही चाहता है कि तभी उसे वो जींस अपने वश में कर लेता है। क्रेग लॉर्ड से कहते रहता है कि तुम जल्दी स्टोर रूम से वापस आ जाओ क्योंकि हमने पहले ही दो को खो दिया है और एक अभी नहीं खोना चाहते। लेकिन लॉर्ड क्रेग का बात को नहीं सुनता और वो उस पैंट का जिप को खोलने की कोशिश करता है। तभी उस पैंट का जिप से लॉर्ड का उंगली कट जाता है। फिर वो पैंट लॉर्ड पर हमला करके उसे मार देता है। फिर वो पैंट लॉर्ड का खून को पी के उस जगह को साफ कर देता है। लॉर्ड का जवाब ना मिलने पर क्रेग उसे ढूंढने स्टोर रूम में निकल पड़ता है। लिबी क्रेग को जाते हुए देखती है तो लिबी भी क्रेग के पीछे चली जाती है। वहाँ पहुँच के क्रेग देखता है कि एक बक्सा फ्लोर के बीचों बीच रखा हुआ है। क्रेग उस बक्से के सामने जाता है तो देखता है कि उसके अंदर पे लॉर्ड का कटा हुआ शरीर रखा हुआ है। क्रेग का पीछा करते करते लिबी भी स्टोर रूम में पहुँचती है और पहुँच के यही चीज देखती है। लिबी वहाँ पे पहुँचने पर क्रेग उसे कहता है कि ये बस एक पुतला है, ये असली इंसान नहीं है। तो लिबी कहती है कि ये असली इंसान है और हमें कुछ करना होगा। तभी क्रेग कहता है कि वो हेरल्ड को इसके बारे में बताएंगे। तो लिबी इसमें राजी हो जाती है। लिबी वहाँ से निकल नहीं जाती है कि तभी उसके पीछे से क्रेग उसे एक मैनिक्यून से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर लिबी को उसी स्टोर रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के 12 बजते हैं और 12 बजने पर ही उस मॉल का गेट्स खुल जाता है जिससे कि पेटन उस मॉल में एंटर करती है। पेटन मॉल में पहुँचने के बाद सभी से हाई हेलो करती है और फिर वो जाके पहुँचती है एक तस्वीर के सामने जो कि एसएस जींस का है। वो वहाँ पे पहुँच के कहती है कि वो इस जींस का कब से इंतजार कर रही थी। तो बार्ब क्रेग से कहती है कि तुम जाके पेटन के लिए एसएस जींस लेके आओ। तो क्रेग पेटन के लिए एसएस जींस लाने निकल पड़ता है। फिर पेटन अपने कैमरामैन से कहती है कि तुम हमारा शूट शुरू कर दो। तो कैमरामैन शूट शुरू कर देते
रहती है। पेटन उस एसएस जींस के बारे में अपने ऑडियंस से अच्छी अच्छी बातें कहती रहती है कि तभी उसके पीछे से वो एसएस जींस उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। फिर वो एसएस जींस वहाँ मौजूद सभी को मार देते हैं, लेकिन पेटन का वीडियो कैमरा चलते रहता है जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्ड होते रहता है। एसएस जींस सबको मारने के बाद उनका खून पीते रहता है कि तभी वहाँ पे क्रेग दरवाजा खोल के घुसता है। वहाँ पहुँचे क्रेग ये सब देखकर दरवाजा को फिर से बंद करके वहाँ से भाग जाता है। वो दौड़ के पहुँचता है अपने सीसीटीवी रूम में और वहाँ पहुँच के बार्ब को वो पैंट के बारे में बताने की कोशिश करता है। तभी बार्ब उसे कहती है कि तुम कभी रीजनल मैनेजर नहीं बन पाओगे और तुम इस छोटे से मॉल का मैनेजर बन के ही रह जाओगे। ये बात सुनकर क्रेग को बहुत गुस्सा आता है और वो बार्ब को पैंट्स के बारे में नहीं कहता, तो बार्ब गेट खोलकर बाहर चली जाती है। फिर क्रेग वहाँ का सीसीटीवी को देखता है जिससे कि उसे पता चलता है कि पैंट ने बार्ब को मार दिया है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं श्रुति को जो कि स्टोर रूम से कुछ सामान को मॉल पर लाती है। वो मॉल पे घुसते वक्त हमारा इंडिया गाना को गाते गाते घुसती है और वही गाना उसका फोन में भी चल रहा होता है, लेकिन श्रुति के पीछे वो पैंट भी मौजूद होता है। लेकिन वो पैंट हमारा इंडिया गाना को सुन के बहुत खुश हो जाती है और खुश होके नाचने लगती है। तभी अचानक से श्रुति का फोन आता है तो वो गाना भी रुक जाता है जिससे कि पैंट डांस करना भी बंद कर देता है। श्रुति वहाँ से निकल जाती है लेकिन वो पैंट वहाँ मौजूद एक मैनेक्विन को देखते रहता है। फिर हम देखते हैं कि लिवी का होश आता है स्टोर रूम में और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसी दौरान वो पैंट उस मैनेक्विन को अपने ऊपर बैठा लेता है जिससे कि वो एक इंसान की तरह दिखता है। फिर वो जमीन पे गिरा हुआ खून से एक बिंदी भी लगाती है। फिर लिवी स्टोर रूम से मॉल में आती है और वहाँ पे आके वो देखती है कि सब कुछ बिखरा हुआ है। फिर लिवी को वहाँ से कुछ आवाजें भी सुनाई देता है जो कि उस वीडियो कैमरा से आ रही होती है। लिवी सामने जाके उस वीडियो कैमरा को अपने हाथ में उठाती है और वहाँ पे देखती है कि कैसे पेटन को वो जींस ने मार दिया था। फिर लिवी उस वीडियो कैमरा को लेके जाती है श्रुति के पास जो कि स्टोर रूम में बैठी हुई थी। वहाँ पहुँच के लिवी श्रुति को उस वीडियो कैमरा का फुटेजेस दिखाती है जिससे कि श्रुति डर जाती है। तभी लिवी नोटिस करती है कि घड़ी में 1:01 बाकी है। तभी लिवी श्रुति को कहती है कि पेटन यहाँ पे 1 घंटे के लिए आई थी, यानी कि अभी भी गेट खुला हुआ है और वो लोग उस गेट से मॉल से निकल के भाग सकते हैं। तो वो दोनों उस गेट की ओर भाग के जाते हैं, लेकिन तभी वो गेट बंद हो जाता है क्योंकि 1 बज चुका होता है। सामने वाला गेट बंद हो जाने पर श्रुति लिवी को लेके जाती है पीछे वाले गेट में जो कि उस मॉल का एग्जिट है। वहाँ पहुँच के वो दोनों उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गेट भी नहीं खुलता। श्रुति अपना वॉकी टॉकी से क्रेग से कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसका वॉकी टॉकी से आवाज निकलता है जो कि क्रेग का होता है। श्रुति क्रेग से पूछती है कि तुम कहाँ पे हो, तो क्रेग कहता है कि वो अपने दफ्तर में है। तो श्रुति और लिवी वहाँ से भाग के क्रेग के दफ्तर की ओर जाते हैं। वहाँ पहुँच के लिवी और श्रुति क्रेग के रूम में घुस जाते हैं। वहाँ पहुँच के लिवी सीसीटीवी रूम का कैमरा का फुटेज देकर कहती है कि वहाँ पे कोई है और हमें वहाँ पे जाना होगा। तो श्रुति कहती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। तो लिवी श्रुति से कहती है कि तुम तो वहाँ पे थे लेकिन तुम तो नहीं मरी। तो वो सभी फिर से वीडियो कैमरा का फुटेज देखते हैं। वीडियो फुटेज फिर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि उस टाइम पे श्रुति का मोबाइल में हमारा इंडिया गाना बज रहा था और श्रुति भी हमारा इंडिया गाना को गुनगुना रही थी, जिससे कि वो पैंट वहाँ पे मौजूद तो था लेकिन वो श्रुति पर हमला नहीं किया और उल्टा वो पैंट वहाँ पे डांस करने लग गया था। ये देखकर लिवी श्रुति से उसका फोन मांगती है और फोन में से हमारा इंडिया गाना को चलाकर वो माइक के जरिए चारों ओर बजा देती है। ये करने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक जींस आता है जो कि अपने साथ एक मैनेक्विन को पहना हुआ था। वो बाहर निकल के आता है और बाहर निकल के वो हमारा इंडिया गाना पे डांस करने लगता है। फिर लिवी अचानक से गाना को बंद कर देती है। फिर मैनेक्विन सीसीटीवी कैमरा का सामने आ जाता है जिससे कि वो सभी देखते हैं कि उसने एक लाल बिंदी पहनी हुई है और वो उनका बात सुन सकती है, जिससे कि वो सभी थोड़ा थोड़ा अंदाजा करते हैं कि वो एक लड़की है। गाना को बंद कर देने पर वो मैनेक्विन आ जाती है क्रेग के रूम के बाहर और वहाँ पे आके अपने सिर से वो दरवाजा को जोर जोर से मारती है। श्रुति गाना को फिर से स्टार्ट कर देती है जिससे कि वो मैनेक्विन भी फिर से डांस करना शुरू कर देती है। तभी लिवी श्रुति से कहती है कि तुम भारत का भाषा बोल सकती हो ना। तो श्रुति कहती है कि भारत में 130 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और उनमें से सिर्फ श्रुति को हिंदी ही आती है और थोड़ी सी उर्दू। तो लिवी कहती है कि पूछो इससे कि ये क्या चाहती है। तो श्रुति पहले अपना गाना को बंद करती है और फिर उससे माइक के जरिए पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। ये पूछने पर मैनेक्विन कैमरा के फ्रेम से बाहर चली जाती है और जाके बार्ब का कटा हुआ हाथ को लेकर आती है जिससे कि वो दीवार पे खून के जरिए हिंदी में लिखती है कि वो किरत है। फिर वो सभी पूरा कन्फर्म होते हैं कि वो एक लड़की है। तभी लिवी क्रेग से कहती है कि तुम जाके अपने एम्प्लॉयज के लिस्ट में देखो कि ये किरत कौन है। तभी क्रेग कहता है कि उनके पास एम्प्लॉयज का नाम नहीं है क्योंकि वो सभी टेम्पररी होते हैं और आते हैं और जाते हैं। तो लिवी क्रेग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारा कॉटन ऑर्गेनिक है। तो क्रेग उनसे कहता है कि उन्हें नहीं पता होता कि उनका कॉटन ऑर्गेनिक है या फिर नहीं, उनका बस एक टैगलाइन है जिनमें वो लोग कहते हैं कि उनका कॉटन ऑर्गेनिक है। तभी वो मैनेक्विन पहना हुआ जींस यानी कि किरत उनके गेट में धक्का मारती है और उन्हें कुछ कहने की कोशिश करती है।
तो श्रुति किरत से पूछती है कि क्या हुआ किरत, तो किरत उन्हें पूरा स्टोरी दीवार पे लिख के बताती है। फिर हम देखते हैं उस स्टोरी को जहाँ पे किरत के साथ कुछ अनहोनी हुआ था। स्टोरी में फिर से हम लोग देखते हैं उस रुई के खेत को जहाँ पे कुछ लड़कियाँ रुई को कलेक्ट कर रही होती है। वो रुई का खेत भारत का ही एक रुई का खेत होता है और वो लड़कियाँ भी इंडियंस है। तभी उनमें से एक लड़की रुई को लेके एक मशीन की ओर जाती है, जहाँ पहुँच के वो रुइयों को उस मशीन पे डालती है। रुइयों को डालते डालते अचानक से उसका साड़ी का पल्लू रुई कटिंग मशीन में फंस जाता है, जिससे कि वो भी रुई कटिंग मशीन में गिर जाती है और उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, जिससे कि उसका सारा शरीर का खून और मांस उन रुइयों के साथ मिल जाता है। इसी कारण से उन रुइयों से बनाया गया SS जींस जिंदा हो जाती है, क्योंकि उन जींसों में किरत का आत्मा बसती है। तभी लिवी किरत से पूछती है कि तुम कितने साल की थी जब मरी, तो किरत उन्हें दीवार पे लिख के बताती है कि वो सिर्फ 13 साल की थी, जिससे कि लिवी और श्रुति को पता चलता है कि वो 13 साल की बच्चियों का भी इस्तेमाल करते हैं उनके कंपनी में काम करवाने के लिए। और ये बात सुनकर वो दोनों क्रेक के ऊपर भड़क जाते हैं। तभी श्रुति किरत से पूछती है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो किरत दिखाती है न्याय, यानी कि उसे न्याय चाहिए। तभी लिवी और श्रुति बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के किरत के सामने जाते हैं। वहाँ पहुँच के लिवी और श्रुति किरत से पूछती है कि क्या हम आपकी आवाज को लोगों तक पहुँचाए, जिससे कि आपको न्याय भी मिल जाए और आप भी लोगों को मारना बंद कर दे। तो किरत सर झुका के हाँ कहती है। वो दोनों किरत का वीडियो शूट करने ही जाता है कि तभी वहाँ पे क्रेक आता है एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके और वहाँ से किरत को भगा देता है। श्रुति और लिवी क्रेक पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसे जींस का और कितने पेयर्स बने हैं, तो क्रेक कहता है कि 175। फिर क्रेक वहाँ से चला जाता है। श्रुति और लिवी वीडियो निकालते हुए जाते हैं स्टोर रूम की ओर और वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सारे डेड बॉडीज को वो जींस खा रहे होते हैं। ये देखकर श्रुति और लिवी वहाँ से निकल नहीं जाते हैं कि तभी वहाँ पे क्रेक आके उन्हें रूम में ही बंद कर देता है। क्रेक वहाँ पहुँच के उनसे वीडियो कैमरा मांगता है, लेकिन श्रुति नहीं देती। श्रुति कहती है कि अगर तुम्हें ये वीडियो कैमरा चाहिए तो अंदर आके ले लो। तो क्रेक भी स्टोर रूम के अंदर घुस जाता है। श्रुति और लिवी स्टोर रूम के अंदर अपने अपने जगह पे छुपे रहते हैं। तभी क्रेक भी अंदर आके उन दोनों को पुकारता है, जिससे कि श्रुति निडर होके पहले बाहर आती है। तभी क्रेक श्रुति पर एक धारदार औजार से हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वो श्रुति के पास से वो वीडियो कैमरा को उठाता है और देखता है कि उसमें SD कार्ड नहीं है। तो गुस्से में क्रेक लिवी को ढूंढता है और लिवी बाहर आते ही उसे पकड़ लेता है। क्रेक लिवी को गला दबा के मार ही देने जाता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने ढेर सारे जींस खड़े हुए हैं और सभी जींसों में किरत का आत्मा बस रहा होता है। वो सारे जींस क्रेक पर हमला करके उसका शरीर का सारा मांस खा के उसे मार देते हैं। लिवी को होश आने पर वो देखती है कि वहाँ पे क्रेक का मांस खाया हुआ शरीर गिरा हुआ है और सारे जींस वहाँ से कहीं जा रहे होते हैं। तो लिवी उन जींसों का फॉलो करते हुए मॉल में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच के वो देखती है कि वहाँ पे सारे जींस खड़े हुए हैं और लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जल्दी ही 8 बजने वाला होता है और 8 बजने पर वो गेट खुलेगा, जिससे कि सभी लोग मॉल के अंदर घुसेंगे। लिवी पहले उन जींसों के सामने जाती है और उनसे कहती है कि तुम ये सब नहीं करोगे किरत, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन किरत नहीं मानती। तो लिवी भाग के जाती है मॉल के मेन गेट के सामने और वहाँ जाके गेट को बंद रखने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग गेट को धकेल के खोल देते हैं और गेट के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कि लिवी जमीन पे गिर जाती है और उसके सिर से ढेर सारा खून निकल जाता है। लिवी जमीन पे पड़े हुए देखती है कि वो जींस सारे लोगों को मार देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लिवी के सिर से ढेर सारा खून निकल जाने के कारण वो भी मर जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।